21 जून की सुबह का वाकया है जब कैप्टन फसी अपने कमांडर के हमरा ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन की प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए तंगी टॉप पहुंचे। जब वो वहां ऑपरेशन का जायजा ले रहे थे तो उन्होंने शहर पसंदों की कुछ मूवमेंट को आइडेंटिफाई किया और वॉलंटियर किया कि वो खुद जाकर इन शहर पसंदों को इंगेज करना चाहते हैं और इस पर वो कैप्टन हसन और चार साथियों के समेत मार्के के लिए आगे निकल गए। इतने फायर के बावजूद दुश्मन ने उन्हें हर तरफ से फायर से इंगेज किया और उन्होंने दुश्मन पर 3 रॉकेट फायर किए और दुश्मन के टारगेट को उन्होंने मट्टी में मिलाकर भाग दिया। फायर के दरमियान मेरे साथ 4 साथी मेरे और भी जख्मी हो चुके थे और फायर और रॉकेटों के दरमियान से मैंने एक शहर को अपनी तरफ आते हुए देखा जो एक एक लड़के को उठाकर पीछे महफूज मुकाम तक लेकर जा रहा था। तो मैंने उनको वायरलेस सेक्टर को बोला कि कैप्टन फसी तुम्हारा काम अब मुकम्मल हो गया है और अब तुम वापस अपनी लोकेशन पर आ गए। ही सेड सर द स्टिल मिशन इज नॉट ओवर आई हैव टू रिट्रीव द वेपन्स। इसी असना में एक गोली उनके सीने में प्रविष्ट हो गई। उसने सही कहा था कि वो गोली गोली नहीं जो खुश से आकर जिस्म पर लगे। उनके चेहरे पर एक बहादुरी एक सुकून एक कंपोजर उन्होंने मेंटेन किया हुआ था और उन्होंने मुझे इशारा किया कि सर आई एम ऑल राइट। आप कौम की माओं को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन माओं को दोनों हाथों से सलाम करती हूँ जिनके लख्ते जिगर मर्तबे शहादत पर फाइज हुए या गाजी हैं। मुझे कैप्टन फसी बाबर अमीन शहीद की वालदा होने पर फख्र है। पाकिस्तान और दिफाए पाकिस्तान हम सब के लिए सबसे ज्यादा अहम है। मुसलमान माओं का हमेशा से तुरे इम्तियाज रहा है कि वह अपने बच्चों को इस तरह तरबियत देती कि वह एक अच्छे मुसलमान और बहादुर सिपाही बने और वक्त आने पर उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। आज इस जज्बे को हम माओं ने उजागर करना है ताकि हमारे नौजवान और आइंदा आने वाली नस्लें हमारे पाकिस्तान की हिफाजत की जामिन बने। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ताबद रोशन और ताबनाक रहेगा। इंशाअल्लाह।